हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर ज्योग्राफी टीचर विवेक फ्रॉम कैलिफोर्निया पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर 14 इज गोइंग ऑन द चैप्टर नेम ह्यूमिडिटी। इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस व्हाट इज द ह्यूमिडिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। आफ्टर दैट वी डिस्कस प्रेसिपिटेशन, और इनसाइड द प्रेसिपिटेशन वी डिस्कस रेनफॉल, स्नो और हेल। ओके, एंड नाउ टुडे वी डिस्कस हियर द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। ओके, सो बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ऑरोग्राफिक, कन्वेक्शनल और साइक्लोनिक। ओके, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल। ओके, सो नाउ टाइप्स ऑफ रेनफॉल। सो प्रेसिपिटेशन अकर व्हेन द मॉइस्चर कंटेन इन द एयर इज कंडेंस ड्यू टू कूलिंग ऑफ द एयर। प्रेसिपिटेशन मीन्स फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द एटमोसफियर इन एनी फॉर्म। किसी भी फॉर्म में जब हमारा वाटर एटमोसफियर से नीचे आ रहा है। ठीक है, सपोज को दिस इज क्लाउड, दिस इज सरफेस। तो किसी फॉर्म में जब हमारा वाटर नीचे आ रहा है, बट वो सॉलिड फॉर्म है या लिक्विड फॉर्म है। ओके, तो उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन। और रेनफॉल कब ऑकर होती है? जब आपकी एयर का टेम्परेचर कूल होगा। ओके, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, आपका जो वाटर वेपर ड्रॉप्स जो है, वाटर वेपर जो है वो कन्वर्ट होंगे ड्रॉप्स में ड्यू टू कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, एंड ऑफ दैट क्लाउड फॉर्मेशन होगी और उसके बाद आपकी रेनफॉल हो जाएगी। ओके, सो बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से रेनफॉल हो रही है। उसके पीछे बेसिकली फोर कंडीशंस गिवन है। ड्यू टू कन्वेक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन बाय द लैंडफॉर्म बैरियर, साइक्लोनिक सर्कुलेशन एंड ड्यू टू फ्रंट। ओके, तो दिस ऑल द फोर कॉज की वजह से आपकी रेनफॉल अकर हो रही है। ओके, कन्वेक्शन मीन्स होता है जब आपकी वार्म एयर, आपकी जो पर्टिकुलर एयर वो वार्म होगी, और वार्म होने की वजह से आपकी एयर एक्सपेंड होगी और वो वर्टिकली मूवमेंट करेगी टूवर्ड्स द एटमोसफियर अपसाइड की तरफ। ओके, तो ड्यू टू दैट ये रेनफॉल होती है। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स जब किसी मॉइस्चर लेडन की विंड के बे में कोई माउंटेन आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है, तो उस माउंटेन्स को वो क्रॉस करने के लिए ऊपर उठती है। ऊपर उठ के वो टेम्परेचर डिक्रीज होता है और वो रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है। या फिर आपके जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है या ड्यू टू फ्रंट की वजह से ये ऑरिजिनेट होते हैं। ठीक है, तो ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे डिटेल। सो फर्स्ट पॉइंट, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ऑरोग्राफिक रेनफॉल और फ्रंटल रेनफॉल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ कन्वेक्शनल रेनफॉल आई विल टेल यू। सो फर्स्ट इसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टूड करते हैं। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू योर बुक हम उसको स्टडी करेंगे। दिस इज योर लैंडफॉर्म। ठीक है, ये आपकी अर्थ है, लैंड है, और दिस टाइप ऑफ रेनफॉल अकर स्पेशली नियर द इक्वेटर जहां सनरेज वर्टिकली पड़ती है। अभी जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है, जो कहां अकर होती है? कन्वेक्शनल रेनफॉल, दिस इज एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शनल रेनफॉल। कहां अकर होगी? स्पेशली नियर द इक्वेटर जहां पर सनरेज वर्टिकली पड़ती है। और जब सनरेज वर्टिकली पड़ेंगी तो यहां पर हमारी जो एयर है वो वार्म होगी और वार्म एयर एक्सपेंड करती है। ठीक है, वो ऊपर उड़ती है। और नेचुरल बात है, जब आपकी कन्वेक्शनल करंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हाइट जाके ये जो एयर आपकी जो एक्सपेंड हो रही है वो जाके कूल होगी और कंडेंसेशन होगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर रेनफॉल हो जाएगी। ये होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये ऑलवेज अकर नियर द इक्वेटर। ठीक है, यहाँ पर रेनफॉल भी हैवी होती है और टेम्परेचर भी हाई होता है। और यहाँ पर एवरी डे 4 o'clock जो होती है, यहाँ पर रेनफॉल होती है 4 o'clock। ठीक है, एवरी डे यहाँ पर 4 o'clock रेनफॉल होती है। ठीक है, उसके पीछे क्या है कि आफ्टरनून के बाद हमारा लैंड वार्म हो जाता है, और वार्म होने की वजह से हमारी एयर एक्सपेंड करती है, और एक्सपेंड होने की वजह से हमारी हाइट अपसाइड एटमोसफेयर की तरफ मूव करती है। ठीक है, स्काई की तरफ मूव करती है, और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हाई टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से कंडेंस होते हैं आपके वाटर वेपर, ड्रॉप्स में कन्वर्ट होते हैं, और यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है एवरी डे। ओके, इसको 4 o'clock शाबरी बोलते हैं हम। क्लियर? सो नाउ द रेन विच इज कॉज्ड बाई प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शनल इन द एटमोसफियर इज नोन एज कन्वेक्शनल रेनफॉल। जो कन्वेक्शन के थ्रू में जो आपकी एयर वार्म हो रही है और वार्म एयर एक्सपेंड होती है, इसी को बोलते हैं हम कन्वेक्शनल
rainfall. And when the surface layers of the atmosphere are heated, जो हमारा अर्थ सरफेस जो है वो हीट हो जाएगा, ये वार्म हो जाएगा, ठीक है, तो हमारी एयर क्या होगी, फर्स्टली क्या होगा, वेन द सरफेस लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर आर हीटेड द मॉइस्चर लेडन, जिस एयर के पास मॉइस्चर है ठीक है वो राइज करेगी, ठीक है, इन अ कन्वेक्शनल करंट, पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है, एंड मॉइस्चर हीटेड एयर एक्सपेंड होगी एंड इट्स डेंसिटी फॉल, डेंसिटी की कम हो जाएगी, जब आपकी एयर जो है वो एक्सपेंड करेगी तो डेंसिटी लो हो जाएगी और ये वर्टिकल मूवमेंट करेगी अपसाइड, ओके, सो इट इज देयरफॉर कूल्ड एडियाबेटिकली, कि मीन सिस्टम है कि आखिर विदाउट एनी गेन और लॉस, आपकी जो है क्या है कि टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा जब हाइट बढ़ेगी एंड टेम्परेचर फॉल बिलो द ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट से नीचे चला जाएगा और वहां पर फॉर्मिंग क्लाउड हो जाएगी, क्लाउड की फॉर्मेशन हो जाएगी और द रिजल्टेंट क्लाउड आर जनरली डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स होते हैं बेटा, ठीक है, तो कौन से, क्यूमुलो निम्बस, ये वो क्लाउड्स होते हैं जो रेनफॉल करते हैं, बहुत सारे क्लाउड्स के डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स हैं, आपने जूनियर छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, सो जो रेनफॉल करता है क्लाउड वो कौन सा है, क्यूमुलो निम्बस, ठीक है, ये डार्क कलर का होता है और थंडरिंग के साथ ये रेनफॉल करता है, विच जनरेट हैवी रेनफॉल, ओके, जब आपके एयर एक्सपेंड करती है और अकॉर्डिंग टू हाइट टेम्परेचर कम होता है, उसकी वजह से कंडेंस होकर वो ड्रॉप्स में कन्वर्ट होते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होती है और उसके बाद ये क्लाउड आपके बनते हैं क्यूमुलो निम्बस, ओके, और वो हैवी रेनफॉल करते हैं, ठीक है, और दिस टाइप ऑफ रेनफॉल जनरली अकर इन इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ओके, दिस इज एग्जांपल ऑफ वार्म एयर एक्सपेंड होगी, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन होगी और हैवी रेनफॉल हो जाएगी, ओके, द थंडरी रेन ऑफ अ समर आफ्टरनून इन टेम्परेट रीजन इज ऑल्सो कन्वेक्शनल इन नेचर, इन ब्रीफ कन्वेक्शन रेनफॉल अकर थ्रू आउट द ईयर इन द इक्वेटोरियल रीजन वेयर कॉन्स्टेंट हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, नियर द इक्वेटर ये अकर होते हैं जहां पर हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी है, ठीक है, एंड डेली आफ्टरनून के होते हैं यहाँ पर नियर अबाउट 4 o'clock, यहाँ पर आफ्टर आफ्टरनून 4 o'clock यहाँ पर एवरी डे रेनफॉल होती है, ओके, सेकेंड है ऑरोग्राफिक रेनफॉल, ऑरो मीन्स होता है माउंटेन, ये भी टॉक अबाउट ऑरोग्राफिक रेनफॉल, ऑरो मीन्स होता है माउंटेन, ठीक है, अब ये रेनफॉल कैसे होगी, सपोज करो दिस इज योर माउंटेन, क्लियर, एंड जस्ट सी हियर, हमारा इंडिया जो है सदर पार्ट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपकी इस पोस्ट आपकी क्या है, यहाँ पर माउंटेन है, ठीक है, वेस्टर्न घाट और यहाँ पर ईस्टर्न घाट है, क्लियर, अब हमारे जो साउथ वेस्ट मानसून है जो विंड सी की तरफ से आती है, ठीक है, इन मानसून सीजन में तो आपकी विंड का वे ये है, तो वो सी टू लैंड आ रही है, तो दैट्स उसका मॉइस्चर होता है और जब वो एंटर करता है इंडिया में तो यहाँ पर आके माउंटेन है, ठीक है, और ये माउंटेन कैसे, लाइक दिस, सपोज करो आपकी ये विंड है, ये यहाँ से आ रही है, इसको होते हैं मॉइस्चर लेडर विंड, जो मॉइस्चर से भरी हुई विंड होती है, ओके, इसके वे में क्या हुआ, बीच में ऑब्स्टेकल आ गई, बीच में क्या गया, माउंटेन आ गया, अब नेचुरल से वो माउंटेन को क्रॉस करना है तो वो हाइट में मूव करेगा, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू हाइट जब आप मूव करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो आपके जो वाटर वेपर हैं वो ड्रॉप में कंडेंस हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगी और ये पोर्शन जो है ये हैवी रेनफॉल गेट करेगा, तो उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड, ओके, एंड आफ्टर द रेनफॉल जिसके पास जितना मॉइस्चर उसने सेट डाउन कर दिया, आफ्टर ये विंड आगे मूव करेगी, तो वेन वी मूव टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसकी जो कैपेसिटी है मॉइस्चर को होल्ड करने वो इंक्रीज हो जाएगी, तो मीन्स वो इस एरिया में रेनफॉल नहीं करेगा, ठीक है, तो अपोजिट साइड होती है विंड की, जो अपोजिट साइड है दैट साइड इसको होते हम लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, ठीक है, इसको हम रेन शेडो एरिया भी बोलते हैं, हम इसको रेन शेडो एरिया भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है, क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके पास जितना मॉइस्चर उसने पहले सेट डाउन कर दिया, आफ्टर दैट फिर ये मूव करती है टूवर्ड द अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस की मूव करेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मॉइस्चर पहले कम हो गया यहाँ पर, आफ्टर दैट टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी मॉइस्चर को होल्ड करने की, तो दैट्स व्हाई सीरी में रेनफॉल नहीं होती, ड्यू टू दैट इसको रेन शेडो एरिया भी बोलते हैं, ठीक है, सो ये आपकी डायग्राम है ऑरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है, सो जस्ट गिवन इन योर बुक, ठीक है, वेरी नाइसली, कि आपकी जो सी की तरफ जो विंड आएगी, मॉइस्चर रिलेटेड विंड आएगी, वो स्ट्राइक माउंटेन से करेगी,
और अगर वो अकॉर्डिंग टू हैंड मूव करेगी तो यहाँ पर कंडक्शन होगी और हैवी रेनफॉल करेगी, लेकिन अपोजिट ऑफ द विंड साइड होती है उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड. ओके सो नाउ स्टार्ट हियर. अकॉर्डिंग टू बुक व्हेन द रेनफॉल अकर ड्यू टू द अपलिफ्ट ऑफ एयर, जब आपकी विंड अपलिफ्ट करेगी लाइक दिस, आपकी विंड ये अपलिफ्ट करिए ठीक है, टू ऑफ द एयर कॉज बाई रिलीफ फीचर. रिलीफ मीन्स एनी माउंटेन या एनी हाई एरिया ठीक है, बट अगर माउंटेन हो सकता है, प्लेटू होता है, कोई भी चीज के जो हाई एरिया से वो स्ट्राइक करिए. सो इट इज कॉल्ड ऑरोग्राफिक रेनफॉल. ऑरो मीन्स होता है माउंटेन, दैट्स व्हाई कॉल्ड, क्योंकि माउंटेन से स्ट्राइक करने के बाद ये ऊपर उठ रही है. ओके और उसको रिलीफ रेनफॉल होता है, रिलीफ मीन्स योर लैंडफॉल फीचर. ओके ऑरोग्राफिक रेनफॉल इज कॉज्ड व्हेन द मॉस्ट एयर, मीन्स के पास मॉइस्चर है, इज फोर्स टू असेंड टू द क्रॉस ओवर द फिजिकल बैरियर. कोई फिजिकल बैरियर है, सपोज ये माउंटेन है ठीक है, असेंड मीन्स मूव करना अपर साइड, डिसेंड टू द नीचे आना, तो ये ऊपर उठेगी ठीक है. एंड दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमिना इफ देयर आर एनी माउंटेन रेंज इज स्ट्रेच एट अ राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड. इफ विंड के डायरेक्शन में कोई ऐसा माउंटेन आ जाता है ठीक है, जिसकी हाइट ज्यादा हो ठीक है, उस उसके बे में हो, तो ये कॉमन फिनोमिना है, एक नॉर्मल नॉर्मल प्रोसेस है ठीक है. इंडिया में जो मैक्सिमम रेनफॉल होती है वो ड्यू टू द ऑरोग्राफिक नेचर की होती है ठीक है. एंड असेंडिंग एयर कूल्स, जब हमारी विंड मूव करेगी अपर साइड, तो क्योंकि वो कूल हो जाएगी, लीडिंग टू कंडेंसेशन, उसके थ्रू कंडेंसेशन होगी ऑफ मॉइस्चर एंड कंटेन इन इट, दिस कॉज रेनफॉल ओवर द माउंटेन एंड प्लेटू रीजन, की बस यहाँ पर रेनफॉल हो जाएगी दैट साइड ठीक है. एंड मौसिन राम, देखो मौसिन राम द वर्ल्ड हैवीएस्ट रेनफॉल प्लेस है, जहां पर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है मौसिन राम है, बिकॉज ऑल्सो लाई ऑन विंडवर्ड साइड ऑफ द खासी हिल्स, गारो खासी और जयंतिया मेघालय में है, मौसम का मेघालय में, क्योंकि ये विंडवर्ड साइड है आपका, विंडवर्ड साइड है प्लेस, दैट्स वाई यहाँ पर हैवीस्ट रेनफॉल होती है ठीक है. सिमिलरली द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, देखो आपकी जो वेस्टर्न कोस्ट है, आपको मैंने एग्जाम्पल दिया कि इंडिया की जो वेस्टर्न कोस्ट है ये भी आपका हैवी रेनफॉल गेट करता है, बिकॉज यहाँ पर क्या है माउंटेन आ गया बीच में, क्लियर, वही एग्जाम्पल गिवन इन योर बुक मुझे, क्लियर. एंड ऑरोग्राफिक रेनफॉल हाउएवर इज नॉट यूनिफॉर्म ऑल ओवर द लैंडफॉर्म बैरियर, कि हर प्लेस पर इक्वल नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपकी विंड माउंटेन के विंडवर्ड साइड हैवी रेनफॉल होगी और लीवर्ड साइड कम होगी. द विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड मीन्स फेसिंग ऑन कमिंग विंड, जिस साइड से विंड आ रही है ठीक है, उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, फेसिंग ऑन कमिंग विंड स्लोप ऑफ माउंटेन आर एज ऑफ द प्लेट्यू रिसीव मोर रेनफॉल, तो ये एरिया मोर रेनफॉल गेट करेगा ठीक है, मोर रेनफॉल, वाइल द अदर साइड, जो अदर साइड मीन अपोजिट साइड ठीक है, इसको बोल नाम दिया है अपोजिट साइड को लीवर्ड साइड, LEWARD ठीक है, लीवर्ड साइड रिमेनिंग ड्राई, ये ड्राई रह जाएगा. क्यों ड्राई रह जाएगा, क्योंकि इस बार जितना मोशन सेट ऑन कर दिया ठीक है, क्योंकि यहां से भीड़ हमारी मूव की अपर साइड, अकॉर्डिंग टू हाई टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन जब ये डाउनवर्ड मूव करेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करेगा तो मोशन को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी ठीक है, ड्यू टू दैट यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है ठीक है. सो हाउएवर एज अ राइजिंग एयर रिचेज द टॉप द ऑफ द माउंटेन रेंज इट स्टार्ट डिसेंडिंग ऑन द लीवर साइड, जब ये टॉप पे पहुंच जाएगी बिना की, तो ये डाउनवर्ड जाना, डिसेंड करना, नीचे आना स्टार्ट कर देगी ठीक है. और ड्यू टू डिसेंड द एयर गेट वार्म, वो वार्म हो जाएगी नीचे आके, बिकॉज डाउनवर्ड आएगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा ठीक है. सो ड्यू टू दैट आपकी जो एयर वो सैचुरेट थी वो अनसेचुरेट हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वो सेचुरेट थी, दस बार रेनफॉल हो, लेकिन जब नीचे में आएगी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो वो अनसेचुरेट हो जाएगी ठीक है, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी मॉइस्चर को होल्ड करने की. ओके सो दिस इन्फ्लुएंस द माउंटेन बैरियर इज कॉल्ड रेन शेडो एरिया, इस रेंज को रेन शेडो एरिया भी बोलते हैं ठीक है. द एरिया ऑन द लीवर साइड रिमेनिंग ड्राई इट इज कॉल्ड रेन शेडो एरिया, सच अ रेन शेडो एरिया लाई ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, ये आपका वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड हैवी रेनफॉल, लेकिन वेस्टर्न घाट की ईस्टर्न साइड ये सारा आपका लीवर साइड में आता है ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून की, क्लियर. आगे एग्जांपल गिवन है कि महाबलेश्वर सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव मोर देन 650 सेंटीमीटर रेनफॉल, वाइल पुणे सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ ओनली 40 किलोमीटर फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट ठीक है, और जो आपका पुणे है वो ओनली 70, मीन्स बोलने का मतलब क्या है कि टू प्लेसेस देयर, एक प्लेस है ठीक है महाबलेश्वर, सपोज करो आपकी ये बुक है, आपका ये माउंटेन रेंज है,
यहाँ महाबलेश्वर है और यहाँ पर पुणे है, ठीक है। दोनों के बीच में गैप कितना है, 40 किलोमीटर का, ठीक है। और अगर बात करें महाबलेश्वर की, तो यहाँ पर नियर अबाउट 650 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है, ठीक है। और इस पॉइंट में रेनफॉल हो रही है ओनली 70 सेंटीमीटर। अब उसके पीछे कॉल क्या है, बीच में क्या गया, माउंटेन आ गया, ऑब्स्टेकल आ गई। अब विंड कहाँ से आ रही है, दैट साइड से आ रही है। तो मीन्स आपका जो महाबलेश्वर है बुलाई ऑन द विंडवर्ड साइड, सो दैट्स वाई यहाँ पर रेनफॉल हैवी हो रही है। लेकिन जब इसको आगे आ गया माउंटेन, तो दैट्स वाई एरिया जो है वो मैक्सिमम रेनफॉल गेट कर रहा है। जब वो आगे मूव करेगा तो ये रेन शेडो एरिया में आता है, लीवर्ड साइड में आता है। तो यहाँ पर आपकी विंड जब माउंटेन से नीचे मूव करेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और ड्यू टू दैट यहाँ पर रेनफॉल नहीं करती है, ठीक है। तो इसे क्या है कि आपका जो दोनों के बीच में गैप ओनली 40 किलोमीटर है, लेकिन ये एरिया जो है वो 650 किलोमीटर सेंटीमीटर रेनफॉल गेट कर रहा है, और ये 70 सेंटीमीटर रेनफॉल गेट कर रहा है, ठीक है। तो ग्रेट एक ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द बोथ प्लेस। उसके पीछे कॉज क्या है कि आपका जो महाबलेश्वर है लाइंग ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, एंड पुणे लाइंग द लीवर्ड साइड ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। ड्यू टू दैट यहाँ पर रेनफॉल कम हो रही है, यहाँ पर हैवी हो रही है, ओके। एंड नाउ नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फ्रंटल रेनफॉल। ये आपने न्यू वर्ड सुना है, फ्रंटल रेनफॉल, ओके। अब आपको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, उसको आपको इजी अंडरस्टूड हो जाएगा। देखो टू डिफरेंट एयर मासिस हैं, ये एयर है। एयर मासिस मीन्स एक लार्ज एरिया में जो हमारी एयर होगी उसकी क्वालिटीज होंगी, जो करेक्टर सेम होंगे, कि मीन्स का टेम्परेचर पूरी का सेम हाई होगा, ठीक है। सपोज का टेम्परेचर हाई है, ठीक है, इस पूरी एयर का एक लार्ज एरिया में, ठीक है, इक्वल टेम्परेचर है, तो ये वार्म एयर मासिस हुआ। और ये सपोज को अनदर प्लेस है, इसका फुली का टेम्परेचर क्या है, कोल्ड है, ठीक है, कूल है, ठीक है। तो ये हुआ आपका कोल्ड एयर मासिस। तो आपका क्या है, टू एयर मासिस है, एयर मासिस। एयर मासिस मीन्स कि आपका एक लार्ज एरिया जिसमें आपकी जो एयर है उसकी इक्वल क्वालिटी हो, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, बट वो जो भी क्वालिटीज है वो सारी सेम हो, ठीक है, उसको एयर मास बोला गया है, ओके। अब टू एयर मासिस होते हैं, एक होता है वार्म, एक होता है कोल्ड, ओके। अब ऐसा क्यों होता है, ये हमारी अर्थ है, इक्वेटर है, इक्वेटर के जो एयर इक्वेटर के पास होगी तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा, बिकॉज सन रेज वर्टिकल पड़ती है, और नियर द पोल क्या होगा, टेम्परेचर सन रेज यहाँ पर स्लैंटिंग पड़ती है, तो कोल्ड एयर मासिस होगी, ओके। अब सपोज करो कि जब वार्म एयर और कोल्ड एयर आपस में मीट करेंगे, ये आगे मूव करें, जब एयर मासिस, कोल्ड एयर मासिस और वार्म आपस में जब मीट करेंगे तो दोनों जो है इमीजिएटली मिक्स नहीं होते, क्योंकि आपकी वार्म एयर लेस डेंस होती है और ये कोल्ड एयर वो डेंस, उसकी डेंस ज्यादा होती है, उसका वेट ज्यादा होता है। जब दोनों मीट करते हैं तो इमीजिएटली क्या होते हैं, दोनों मिक्स नहीं होते, और दोनों के बीच में एक लाइन से क्रिएट हो जाती है कि दैट साइड आपका वार्म और दैट साइड कोल्ड। तो इस जो इमेजिन लाइन जो क्रिएट हो रही है दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं फ्रंट, क्लियर, FRONT, ये आपका फ्रंट क्या है, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो क्रिएट हो रही है यहाँ पर हाई सॉरी आपका जो वार्म एयर मासेस और कोल्ड एयर मासेस के बिटवीन, जब दोनों मीट करें तो इमीजिएटली दोनों मिक्स होती है, तो कुछ टाइम के लिए वो दोनों सेपरेट रहती है, और बीच में जो एक इमेजिनरी लाइन बनेगी दोनों को सेपरेट करने के लिए, उसको फ्रंट बोलते हैं, ओके। अब सेकेंड थिंग क्या है कि जब ये दोनों आपस में मीट करेंगी, ठीक है, अब ये मैंने नाम दिया एक वार्म एयर मासिस और दूसरा नाम दिया कोल्ड एयर मासिस, ठीक है। सो कीप इन द माइंड कि जब वार्म एयर मासिस की बात कर रहा हूं तो उसमें जो स्पीड होगी विंड की, वार्म एयर की ज्यादा होगी, ठीक है, वार्म एयर की ज्यादा होगी। और जब मैं कोल्ड एयर मासिस की बात कर रहा हूं तो मीन स्पीड जो है वहां पर कोल्ड एयर की ज्यादा है, क्लियर। कि वार्म एयर की बात, जब मैं वार्म एयर मास की बात करूंगा तो क्या होगा, स्पीड किसकी होगी, वार्म एयर की ज्यादा होगी, और जब कोल्ड एयर मास होगी तो उसमें मीन्स क्या है, उसकी स्पीड जो है कोल्ड एयर ज्यादा, इसमें उसके नाम पड़े हैं वार्म और कोल्ड, ठीक है। अब ध्यान सुनो बच्चे कि अब क्या है, जब हाई टेम्परेचर और सॉरी वार्म एयर मासिस, ये आपके वार्म एयर मास है और ये कोल्ड एयर मास है, ठीक है, जो दोनों आपस में मीट करेंगे तो हैवी कौन सा है, भारी कौन सा है, ये हैवी है और ये लाइट है, तो नेचुरली हैवी नीचे रहेगा और वार्म एयर मास जो है ऊपर मूव करेगा, ठीक है, और कोल्ड आपका नीचे रहेगा, क्लियर। अब बात यह है कि कब हम वार्म फ्रंट बोलेंगे, कब हम कोल्ड फ्रंट बोलेंगे।
अगर स्पीड वार्म की ज्यादा है, जिस फ्रंट में आपकी स्पीड वार्म की ज्यादा है तो उसको बोले हम वार्म एयर मासिस, और जिसमें कोल्ड विंड की स्पीड ज्यादा होगी उसको कोल्ड फ्रंट बोलते हैं। क्लियर? अब बात यह है कि अब ध्यान से समझो इस बात को कि अगर वार्म एयर मासिस है, इसकी स्पीड ज्यादा है सपोज करो, तो नेचुरल बात है आपकी कोल्ड जो है वो अपने बेस में ऊपर उठेगा, तो ये स्लोली मूव करता है अपसाइड, स्लोली मूव करेगा, स्लोली फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड होगी। ठीक है, और यहाँ पर लाइक ए ड्रिजलिंग मीन्स हल्की हल्की रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगी काफी लॉन्ग टाइम तक। लेकिन इफ कोल्ड वार्म जो है कोल्ड एयर मासिस की स्पीड ज्यादा हुई, कोल्ड की स्पीड ज्यादा हुई, तो कोल्ड क्या करेगा, वार्म को पुश करेगा अपसाइड। तो दोनों में क्या है, बट अगर वार्म आपका एयर मासिस या कोल्ड एयर मासिस, दोनों में वार्म एयर ऊपर जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर कोल्ड एयर मासिस होगा तो वो फास्टली पुश करेगा इसको वार्म एयर को, और वार्म एयर इमीजिएटली अपसाइड मूव करेगी। जब इमीजिएटली आपकी वार्म एयर टॉप पे पहुंच जाएगी तो कंडेंसेशन फास्ट होगी और हैवी रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगी। दैट मीन्स जो कोल्ड एयर मास है वो हैवी रेनफॉल करेगा, बिकॉज वो वार्म एयर को पुश कर रहा है। अगर वार्म एयर मासिस हुआ तो विंड कोई चीज पुश नहीं करेगी, वो अपने बेस पे अपनी स्पीड से वो ऊपर जाएगी, तो वो स्लोली मूव करती है अपसाइड और स्लोली क्लाउड फॉर्मेशन होती है और लाइट रेनफॉल होती है। क्लियर? वही बात यहाँ पर मेंशन की है आपकी बुक्स में भी कि व्हेन टू एयर मासिस, एयर टू मास मीन्स वार्म और कोल्ड ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, की टू एयर मासिस है, दोनों के टेम्परेचर अलग अलग है, दोनों की ह्यूमिडिटी अलग अलग है, जब दोनों मीट करेंगे दे डू नॉट मिक्स रेडली एट अ जोन ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर्मेशन बिटवीन देम, तो इमीजिएटली वो मिक्स नहीं होंगे और दोनों के बीच में एक लाइन बनेगी, एक जोन बनेगी, और इसी को नाम दिया है फ्रंट। ओके, ये जो रेड लाइन बनी है इसको नाम दिया है फ्रंट। ओके, और जो फ्रंट होते हैं इट मे बी वार्म इट मे बी कोल्ड। अगर वार्म फ्रंट की बात करें तो व्हेन वार्म एयर मास इज मूविंग फास्टर, जब एयर जो है मूव फास्ट होगी, वार्म एयर मास होगी फास्ट होगी, तो वार्म एयर फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, देन द कोल्ड एयर, सो दैट वार्म एयर गेट एंटरिंग एरिया एंड ऑक्यूपाई द कोल्ड एरिया को, कोल्ड एयर को कवर कर लेगी फिर। ओके, कि मींस अगर आपकी वार्म एयर की स्पीड ज्यादा हुई तो वो कोल्ड एरिया को कवर करेगी, बिकॉज क्या है, वार्म एयर लाइट होती है, लाइट ऊपर रहेगी और कोल्ड जो नीचे रहेगी। क्लियर? सेम ईयर ये कोल्ड करंट की बात होगी, कोल्ड फ्रंट की बात होगी, तो इज फाउंड व्हेन द कोल्ड एयर मास इज मूविंग फास्टर, जब कोल्ड की मूव फास्ट होगा, और जब ये फास्ट होगा तो वो वार्म एयर को पुश करेगा, क्योंकि वार्म एयर ने हल्की होती है वो ऊपर पहले जाएगी। ठीक है, तो क्लाउड फॉर्मेशन फास्ट होगी। आगे वही लिखा है यहाँ पर कि इट इन द वार्म फ्रंट द वार्म एयर राइजेस ओवर कोल्ड एयर स्लोली, अगर वार्म एयर वार्म फ्रंट की बात होगी तो आपकी वार्म विंड जो है वो स्लोली ऊपर जाएगी। ठीक है, और स्लोली वो क्या करेगी, क्लाउड फॉर्मेशन की। लेकिन अगर बात करें कोल्ड फ्रंट की, तो कोल्ड फ्रंट जो होता है वो वार्म एयर को पुश करता है और रैपिडली वो अपसाइड पहुंच जाता है, और ड्यू टू दैट अगर दोनों की बात की जाए तो फ्रंट वार्म एयर राइजेज अप, दोनों में क्या राइज, जो वार्म एयर वो ऊपर जाएगी और ऊपर जाके वो कूल होगी, आफ्टर दैट रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो वार्म फ्रंट होते हैं वो कंटिन्यूसली ड्रिजलिंग होती है, बूंदाबांदी होती है, हल्की रेनफॉल होती है, लॉन्ग टाइम तक होती है और लार्ज एरिया को अफेक्ट करती है। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट कोल्ड फ्रंट की बात करें तो हैवी रेनफॉल होती है और एक नैरो जोन में होती है। क्लियर? एंड ऑफ दैट फ्रंट टाइप ऑफ रेनफॉल कॉमन इन द मिड लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड कौन से होते हैं, ये आपका अर्थ है, ये इक्वेटर है और ये पोल है, तो इक्वेटर से आपका मूव करता है अपसाइड वार्म करंट, और ये कोल्ड फ्रंट नीचे आता है, दोनों जहां मीट करते हैं ये मिड लैटिट्यूड है, ये मिडल पार्ट होता है, तो यहाँ पर मैक्सिमम हमें फ्रंटल रेनफॉल देखने को मिलती है। ओके, एंड मेजरमेंट की बात करें तो रेनफॉल को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं हम रेन गॉज, एंड द सिलेंड्रिकल मेटल कंटेनर होता है। ठीक है, और इसको ऑलवेज अवे फ्रॉम द ट्री रखा जाता है या अवे फ्रॉम द बिल्डिंग रखा जाता है जहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, क्योंकि इसमें अगर नियर अबाउट बिल्डिंग हुई या नियर अबाउट ट्री हुआ तो उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट है वो प्रॉपरली इसके इनसाइड नहीं जाएंगी और एक्यूरेसी नहीं आएगी। ओके, सो क्या है इसको, और जनरली इसको क्या है, लैंड से नियर अबाउट 30 सेंटीमीटर ग्राउंड के ऊपर रखा जाता है ताकि ग्राउंड का जो वाटर स्किन साइड ना जा सके, इसलिए इसको थोड़ा हाइट पर रखा जाता है। ठीक है, और इन द हाई लैटिट्यूड एंड हाई अल्टीट्यूड एरिया जहाँ पर स्नोफॉल होती है, ठीक है, उसको भी मेजर किया जाता है। ठीक है, और उसको मेजर करने के लिए भी क्या है, उसको स्नो गॉज बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इसकी जो थिकनेस होती है स्नो की, अगर 10 सेंटीमीटर स्नोफॉल हुई है तो उसको मींस किसी के बराबर माना जाएगा, 1 सेंटीमीटर रेनफॉल के बराबर माना जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर टॉपिक टुडे, वी डिस्कस हियर प्रेसिपिटेशन के टाइप्स हमने डिस्कस किए,
टाइप्स ऑफ स्पेशली रेनफॉल के पॉइंट इस की थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल होती है, कन्वेक्शन रेनफॉल, ऑरोग्राफिक रेनफॉल और फ्रंटल रेनफॉल. ओके, एंड आफ्टर दैट डिस्कस मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, की रेनफॉल को कैसे मेजर करते हैं. ओके, थैंक यू.